त्योहार में मिनटों में बनाए घर में इस तरीके का टेस्टी नाश्ता या एक बार बनाए और महीनों खाए। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और चलिए आज हम दिवाली के लिए टेस्टी सा नाश्ता बनाएंगे। इसके लिए हम लेंगे एक बर्तन और इसमें डालेंगे एक कटोरी मैदा। आप मैदे की जगह आटे का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें स्वाद अनुसार 1/4 चम्मच नमक डालेंगे और इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को इस तरह हथेली में रखकर हम घिस लेंगे और इसमें ऐड करेंगे। इससे अजवाइन का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आएगा। और इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे और इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ मैंने अनफ्लेवर ऑयल का यूज़ किया है। और अब हम सभी इंग्रेडिएंट को साफ हाथ से अच्छी तरह मिला लेंगे। हमें तेल को मैदे में अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए मिलाना है, जिससे तेल मैदे में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। ऑयल की जगह आप घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ मैंने तेल को मैदे में अच्छी तरह मिला लिया है। और ये देखिए, मैदा हमारा बिल्कुल ऑयल में अच्छे से मिल गया है। हमें इसे ऐसा ही मिलाना है। और अब हम 1 कप पानी लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी डाल करके हम इसे हल्के हाथों से इस तरह घुमाते हुए मैदे में पानी को मिक्स कर लेंगे। आटे का डो लगाने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी करके इसका डो लगाएंगे, जिससे डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। हमें इसे मसलते हुए गूंदना नहीं है, बस पानी डाल करके मैदे को एक जगह इकट्ठा करना है। और ये देखिए, यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैदे को एक जगह जमा कर लिया है। और ये देखिए, मैदे का डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट लग गया है। और अब हम इसे हल्के हाथों से इस तरह दबाते हुए चिकना कर लेंगे। और आटा हमारा लग गया है। और अब हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। और ये देखिए, आटा हमारा अच्छी तरह सेट हो गया है। हम इसे चेक कर लेंगे। मैदे को हल्के हाथों से इस तरह मिलाते हुए 1 मिनट के लिए हम इसे चिकना कर लेंगे। और अब हम इसके लोई तोड़ लेंगे। और अब हम लोई लेंगे। लोई को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करने से नाश्ता हमारा अच्छा खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। और ये देखिए, लोई को यहाँ मैंने अंदर की तरफ करते हुए अच्छे से फोल्ड कर लिया है। और अब हम इसे चकले के ऊपर रख कर बेलन से हल्के हाथों से दबाते हुए इसे बेल लेंगे। हमें इसे रोटी के साइज में बेलना है, लेकिन रोटी से थोड़ा सा इसे हम मोटा बेलेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह बेल लिया है। और अब मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे रोटी से थोड़ा मोटा बेला है। हमें इसे इतना ही बेलना है। और अब हम एक चाकू या फॉग लेंगे। यहाँ मैंने एक चाकू लिया है। चाकू से हम हल्के हाथों से इस तरह इसे प्रेस कर लेंगे, जिससे नाश्ता हमारा फूलेगा नहीं और वो बिल्कुल ही क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। रेसिपी को आप होली, दिवाली या टी टाइम स्नैक के भी रूप में बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। और अब हम एक ढक्कन लेंगे इस तरीके से। बॉटल का मैंने यहाँ एक ढक्कन लिया है और इसे इस तरीके से हम कट कर लेंगे। यहाँ मैंने राउंड शेप का ढक्कन लिया है और इसे मैं राउंड शेप में बना रही हूँ। आप अगर चाहे तो इसे हार्ट या किसी भी और फ्लावर के शेप में भी बना सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे को अच्छे से कट कर लिया है। और अब हम इसे एक एक करके इस तरीके से उठा करके प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे इजीली निकाल लिया है। और अब हम इसे प्लेट में रखेंगे। सेम तरीके से हम सारे को निकाल करके प्लेट में रख लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे मिनी बिस्किट्स को प्लेट में निकाल लिया है। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसे गर्म होने देंगे। और इसमें तेल डाल करके हाई फ्लेम पे हम इसे 1 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। ये देखिए, तेल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। और अब हम इसमें मिनी बिस्किट्स को एक एक करके ऑयल में डालेंगे। और इसे मीडियम फ्लेम पे मिनी बिस्किट डालकर हम ऑयल में इसे फ्राई होने देंगे। इस नाश्ते की रेसिपी को या टी टाइम स्नैक को आप मीडियम फ्लेम पे ही अच्छी तरह फ्राई करें, जिससे ये अंदर तक अच्छे से पकेगा और बाहर से बिल्कुल ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल ही खस्ता बनेगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे मिनी बिस्किट डाल दिए हैं। और अब हम इसे
एक बार अच्छी तरह चला लेंगे, जिससे ऑयल का हीट सारे बिस्किट में अच्छी तरह स्प्रेड हो जाएगा और बिस्किट हमारे बिल्कुल ही परफेक्ट और मार्केट स्टाइल बनेगा। इस तरीके का आप नाश्ता अगर अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे और ये आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसे कहाँ से मंगवाया है। बिस्किट को हम मीडियम फ्लेम पे इस तरह पलटते हुए कंटिन्यू पकने देंगे और ये देखिए इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और बिस्किट में कलर आना स्टार्ट हो गया है और ये देखिए बिस्किट में गोल्डन सुनहरा गुलाबी कलर आ गया है और हमें इसे इतना ही फ्राई करना है। और चलिए अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे और ये देखिए यहाँ मैंने ऑयल में से इसे अच्छी तरह निकाल लिया है और हम इसे इस तरीके से हिला लेंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा और बिस्किट हमारे फ्राई होने के बाद भी ऑयली नहीं लगेंगे। और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। और ये देखिए नाश्ता हमारा बिल्कुल ही क्रिस्पी और खस्ता बना है और इस तरीके का नाश्ता आप घर पे ज़रूर बनाएं और बच्चे हो या बड़े सभी को पसंद आएगा। इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई करें और आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और अब मैं आप सभी के साथ मिलूँगी एक और नए रेसिपी के साथ।